बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने कांग्रेस के हालात की बात कहकर चुटकी ली है। पवन जायसवाल ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस को जगह मिलेगी या नहीं, ये दुख की बात है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार 4 मंत्रिमंडल की पद की चुकी है। कांग्रेस के लिए यह विषय दुख का और गम का है जो पूरा नहीं होगा। कांग्रेस के लिए बहुत गम का विषय होगा। कांग्रेस के लिए इससे दुखद कोई विषय हो ही नहीं सकता है कि जिस चीज का मांग कर रहे हैं गठबंधन में, मांझी जी अलग हो गए चूंकि मिलाने का प्रयास किया गया, जो माले वाले हैं कम्युनिस्ट वाले हैं धरना बैठे रहते हैं शिक्षक प्रकरण पे, सत्ता पक्ष में है सत्ताधारी दल में रह के और धरना बैठ रहे हैं, बच गए कांग्रेस। तो कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी का कई बार बयान आ चुका है कि हमको 4 मंत्री चाहिए, अभी तो 2 ही मंत्री है उनका, तो 2 का जो मांग है हमको नहीं लगता है कि नीतीश जी सब में कोई समझौता करते हैं। इसलिए कांग्रेस को भी भविष्य में बूस्टर डोज देना ही पड़ेगा, बिना बूस्टर डोज कांग्रेस के दिए हुए कोई उपाय नहीं है। और इस वक्त संवाददाता गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, नीतीश कैबिनेट के विस्तार की बात कही जा रही है और इस बीच बीजेपी का ये कहना कि कांग्रेस के हालात पर तरस आती है, कांग्रेस को भी 4 मंत्रिमंडल चाहिए थे लेकिन ये उन्हें नहीं मिला, तो ये दुख की बात है कांग्रेस के लिए, तंज कसा गया है बीजेपी की तरफ से। एक बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने जो इस्तीफा दिया है उसके बाद जो है बयानबाजी का दौर पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से चल रहा है। देखिए बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के विधायक है पवन जायसवाल, कल मुलाकात भी मांझी जी के उन्होंने जाकर की थी और उसके बाद जो है ये बातों को जो है उन्होंने आज रखा है कि जीतनराम मांझी जो है एक पुराने राजनीतिज्ञ है, उनका जो कैरियर है राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही पुराना कैरियर है और इसको लेकर जो कहा जाता है कि जो बातें उनके तरफ से रखी जा रही है उस पर बीजेपी काफी गंभीरता से विचार कर रही है। बीजेपी उनको काफी गंभीरता से नहीं, क्योंकि अगर मांझी जी अगर बातों का रख रहे हैं और मंत्रिमंडल से जो है इस्तीफा दे देना एक बहुत हिम्मत का चीज और है। पवन जायसवाल ने ये बातें को कहा कि आज इस तरह से मांझी जी के बेटे ने जो एक फैसला किया हम उसका स्वागत करते हैं। बीजेपी का जो एक कहा जा सकता है कि जो सोच है मांझी जी के प्रति काफी पॉजिटिव सोच है, तो मांझी जी अगर बीजेपी में आते भी हैं यानी खुला निमंत्रण जो है उनको दिया गया है मांझी जी का ना, मांझी जी को बीजेपी की तरफ से अगर मांझी जी एनडीए में फिर से वापस आना चाहते हैं तो उनका खुले दिल से बीजेपी स्वागत करेगी। देखिए वहीं अगर बात करी जाए महागठबंधन के घटक दलों की तो कांग्रेस ने जीतनराम मांझी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है समीर सिंह, उनका जो आरोप है उन्होंने जीतनराम मांझी को ब्लैकमेलर कहा है, ब्लैकमेलिंग करते हैं जीतनराम मांझी और अपने राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए जो जनाधार है उस जनाधार के अनुसार जो है उनकी मांग नहीं होती, उससे अधिक परिवार को जो है वो फायदा पहुंचाने के लिए दलितों के नाम पर जो है वोट मांगते हैं मगर परिवार के सिवा उनकी सोच जो है वो बाहर नहीं निकली, चाहे वो सीट बंटवारे को लेकर हो या जो अपने बेटे को लेकर मंत्रिमंडल में या केंद्र में जो कल तक लोकसभा चुनाव की सीट के लिए, इन तमाम चीजों को लेकर एक बड़ा आरोप जो है कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष समीर सिंह ने लगाया है जीतनराम मांझी पर और ब्लैकमेलर जो है वो उनको कहा है कि ब्लैकमेल करते हैं, नीतीश कुमार की वो कोशिश कर रहे थे ब्लैकमेल का मगर जिस तरह से मांझी जी अलग हुए हैं इस समय विपक्षी दल की जो बैठक है। बिल्कुल बिल्कुल गौतम, यानी बीजेपी के इस बयान से ये समझा जाए कि इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी अब आराम से बैठकर चुटकी ले रही है और बयान दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका गौतम तमाम जानकारी के लिए।